दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के जितने भी काम हैं वो फटाफट हमने करके और आ गए हैं हम खेत, क्योंकि हमें जो है ना ये दाल वाला खेती भी हम लोग करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि तिवरे की जो हम लोग खेती करते हैं और छोटे मटरे की खेती करते हैं, लेकिन वो सब हुए नहीं क्योंकि बारिश बारिश इस साल हुई नहीं है। तो कटाई जो है जनवरी के लास्ट तक में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था ना कि हम लोग फरवरी मार्च में करते थे। इस साल फसल हमारी हो चुकी है चौपट, बची खुची जो है उसे गाय पूरा खा जा रहे हैं, तो इसलिए हमें जो हारे हैं अभी अच्छे से हुए भी नहीं है, तो पहले से ही हमें कटाई करनी पड़ रही है। और कल था छेरछेरा का त्यौहार, तो हम जो है कुछ बना नहीं पाए, तो इसलिए शेयर नहीं किए, क्योंकि हम बच्चे आए थे मांगने, तो उन्हें दे करके और फटाफट हम आ गए थे खेत। शाम के 6 बजे तक हम खेत में काम किए, फिर घर घर में फिर काम करो, सुबह घर का काम करके खेत आओ, खेत से फिर घर में काम करो। ऐसे ही ऐसे हम बिजी हो जाते हैं और घर में मैं वीडियो स्टार्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत बहुत बिजी ही रहती हूँ। और हम लोग का क्या है कि दो फसल की खेती करते हैं, इसलिए हमेशा ही खेती, इसलिए हमें जो है जनवरी के लास्ट में ही इसकी कटाई कर दे रहे हैं। और आज सुबह हुई थी बारिश, तो देखते हैं क्या क्या हुआ था। और मैंने ना बचे हुए चावल के जो है नाश्ता बनाया था, तो देखिए कैसे कैसे मैंने बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पास हमने लिया है जो चावल, हमने सुखा दिया था, मतलब चावल पका हुआ चावल को हमने धूप में सुखा दिया था। तो ये देखिए, ये सूख करके इस तरह से हो गई है। फिर ना हमें इसे गर्म तेल में तलना होगा, तो उसके लिए हमने इसकी हम बनाएंगे सुबह का नाश्ता, नमकीन भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पास हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर और लाल मिर्ची, और यहाँ पर सेंधा नमक, और ये है धनिया की पत्ती, और ये है हरी मिर्च और लाल मिर्च। इन्हें ना हम सबको तलने के बाद ही सबको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पास जो छत्तीसगढ़ सरकार हमें देती है चना, ये वही चना है, तो इसे हम जो है ये तलेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लिए हैं तेल, देखिए ये गरम हो चुका है, और इसमें हम डाल देते हैं चना को, ये बहुत जल्दी फूट जाएगी। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना होगा एक बर्तन में, फिर सभी का हम मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फूटने लग गए हैं, और फिर इसके बाद ये देखिए फूट गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं थाली में। तो यहाँ पास हम एक चलनी की मदद से सारे को एक साथ निकालेंगे, क्योंकि अगर चम्मच से निकालेंगे तो ये और ज़्यादा जल जाएंगे, इसलिए मैं इसे चलनी से निकाल रही हूँ, क्योंकि और ज़्यादा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए। तो ये देखिए, मैंने ये भी स्टील की चलनी है, नहीं मैं अगर वैसे ही होती तो ये पूरी पिघल जाती। तो ये देखिए, यहाँ पास थोड़ा थोड़ा करके मैं जो चावल पका हुआ चावल का सूखा हुआ है, देखिए उसे मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं चम्मच से इस तरह हिला दूँगी, और इसे भी मैं चलनी से ही निकालूँगी, क्योंकि ये चम्मच से निकालूँगी तो ये जल्दी निकल नहीं पाएंगे। तो देखिए फूट करके इस तरह से हो जाते हैं। अब इसे जो है ऊपर ऊपर जो है आ गए हैं, तो उन्हें मैं निकाल निकाल के फिर से उसी में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि सारे को एक साथ मिक्स करने हैं। तो ये जो है अब पक चुका है, और मैं चना जो फूटा हुआ है उसी में मैं इसको मिला देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैंने तला हुआ है इसे, तो यहाँ पास फिर से दोबारा मैं इसी तरह से वही प्रोसीजर जो है फिर से कर रही हूँ। जो बचा हुआ चावल था उसे फिर से मैं मिला देती हूँ। इस समय हम लोग का टाइम हो गया है खेतों में काम करने का, तो सुबह सुबह हम ये नाश्ता भी बनाएंगे, साथ साथ में खाना भी बनाएंगे, और फिर 10 बजे तक हमें जो है फुर्सत होना है इन सब कामों से, और फिर जाना है खेत, क्योंकि अभी हमारे फसल हो रहे हैं सारे ख़राब, क्योंकि मवेशी जो गाय भैंस है वो सारे चौपट कर जा रहे हैं। एक तो बारिश हुई नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे सारे फसल ख़राब हो चुके हैं, और पता नहीं क्या होगा अब। तो देखिए भी पक चुका है, अब हम इसे भी थाली में निकाल देते हैं, पहले जिसमें मैंने निकाला था उसी में। तो ये पक कर के इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, और साथ साथ में हमें खाना भी बनाना है। तो देखिए हम इसे पहले इस तरह से निकाल लेते हैं सारे के सारे, तो फिर उसके बाद हम इसमें कढ़ाई में हम डाल देते हैं
फिर ना साथ साथ में हम जो सूखा हुआ मिर्च था उसे हम डाल देते हैं, हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। ये सब कुछ तल तल के धनिया पत्ती भी हमने डाल दिया है, और इस सबको ना हम निकाल लेंगे और उसी में मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। बस हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसका टेस्ट जो है जब मिला देंगे तब आएगा। सबको मैं छलनी से ही निकाली हूँ क्योंकि मेरे पास और दूसरा चीज़ है नहीं इस तरह से एक साथ निकालने के लिए। तो देखिए धनिया पत्ती मिर्ची हमने हर चीज़ को एक साथ मिला दिया है, और फिर इसमें हम ये मिर्ची भी मैंने निकाल के रख दिया है, और साथ साथ में मैंने ना डालूँगी इसमें जो नमक है और मिर्ची पाउडर, और नहीं मिर्ची पाउडर सब रहे। तो साथ साथ में हम आ गए हैं खेत, और खेत में हमारा ये हाल रहता है। देखिए इतने सारे मवेशी चरते रहते हैं, तो हम उसे पहले भगा लेते हैं। और यही पास में था कबूतर का दो जोड़ा, तो उसे भी हमने क्लिप में ले लिया है। तो ये देखिए ये ना उड़ गए, जैसे ही मैंने इनके पास गई तो ये उड़ गए। और हमें ना 10 से या 11 बजे से ये काम स्टार्ट करना होता है। हमने तिवरे की बस फसल आई है, वो भी ज़्यादा नहीं है। एक तो बारिश नहीं हुई उसमें हमारा फसल हो गया है ख़राब, और फिर साथ साथ में मवेशी भी पूरा चौपट कर दे रहे हैं। तो इसलिए ये देखिए अभी ये हुए नहीं है अच्छे से, और इनमें दाने भी नहीं है। फिर भी हमें एक एक करके दाना समेटना होता है, और यही है हमारी रियल लाइफ, तो हम आपको शेयर करते हैं। तो ये देखिए जिस खेत में हम फसल की मतलब कटाई कर रहे हैं, हंसिए से हम नहीं कर रहे हैं, हाथ से बस हमें उखाड़ना होता है। हमारा हाथ तो पूरा जलने ही लगता है, पूरे दिन भर यही काम। और चलो अच्छा है कि इस साल हमें जो है जनवरी के लास्ट में ही ये सारे काम कर दे रहे हैं। लेकिन पहले ना हमें फरवरी के लास्ट में पूरा मार्च हमें ये काम करना पड़ता था, पूरा धूप में एकदम पूरा शरीर जल जाता था, और अभी भी पूरा दिन भर मेहनत करना पड़ता है। तो हम ना साथ में देखिए एक एक पौधा हमें निकालना पड़ता है, और ये इकट्ठा हमने कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसे घर ले जाएंगे, और हमारा सुबह मतलब 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। फिर घर जाके फिर से मेहनत, घर का काम हर हाउसवाइफ का जो होता है डेली का रूटीन, वो हमें फिर से करना होता है। तो यहाँ पर हम देखिए तिवरे की जो फसल है उसे हम इकट्ठा कर दे रहे हैं, और इसके जो दाने हैं वो भी हरे हरे हैं। और ये पता नहीं इसका फसल कैसा निकलेगा, ये बाद में पता चलेगा। और यहाँ पास मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मुझे बोरे में भरना है और ले जाना है घर। अब हो गया है शाम का टाइम, तो एक बार में जाएगा नहीं, तो थोड़ा पहले ही हमें इकट्ठा करके घर ले जाना होगा। उसके बाद फिर 2-3 बार हमें घर से आना जाना, मेरे बच्चे भी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पास हमने इसे गट्ठे को बांध दिया है इस तरह से, और फिर हम इसे लेके चलते हैं घर। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।